नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल ट्रैक्टर की पाठशाला में। तो किसान भाइयों, हमारी पिछली वीडियो में कुछ किसानों की कमेंट आई थी कि भाई आप कितना पैसा लेते हो एक घंटे का इस थ्रेसर का, और आपके यहाँ थ्रेसर में काम करने वाले मजदूरों की क्या दिहाड़ी चलती है। और इसके सिवा मैं आपको बताऊँगा कि कितना थ्रेसर चलाया है हमने इस साल का, क्योंकि किसान भाइयों अभी ये लास्ट दिन है हमारे थ्रेसर का, सभी गेहूं हमने ख़त्म कर लिए हैं। तो वीडियो को पूरा देखते रहेगा क्योंकि यही सारी बातें हम वीडियो में करने वाले हैं। तो फिर चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो भाई सबसे पहले तो बात कर लेते हैं कि थ्रेसर का किराया कितना है। तो किसान भाइयों, हमारे थ्रेसर का किराया है एक घंटे में 1000 रुपया, और जो छोटे वाले थ्रेसर आते हैं उसका किराया है 800 रुपया प्रति घंटा। किसान भाइयों, आपके गाँव में कितना किराया है वो हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं, ताकि सभी किसान भाइयों को पता चल जाए कि अलग अलग विस्तार में कितना किराया चल रहा है। अब बात करते हैं कि मजदूरों की दिहाड़ी कितनी चलती है हमारे एरिया में। तो किसान भाइयों, हमारे यहाँ पे मजदूर की दिहाड़ी कोई फिक्स नहीं होती, क्योंकि आपको भी पता होगा कि मजदूरों का काम कोई फिक्स नहीं होता, कभी ज़्यादा समय लग जाता है और कभी कम समय लग जाता है। दिहाड़ी का मिनिमम चार्ज है 100 रुपया। कोई भी मजदूर खेत में काम करने आएगा तो मिनिमम 100 रुपया तो वो लेगा ही लेगा, चाहे थ्रेसर में आधा घंटा हुआ हो या कितना भी टाइम हुआ हो। और मान लो कि खेत बड़ा है, यानी कि 2-3 बीघा का खेत है और 2-3 घंटे लग जाते हैं काम में, तो वो उस हिसाब से पैसा लेगा, वो 150 भी हो सकता है, 200 भी हो सकता है। तो किसान भाइयों, आपके विस्तार में कितना पैसा चलता है मज़दूरों का, नीचे कमेंट कर ज़रूर बताएं, ताकि हमें भी जानने को मिल जाए। और अगर पूरा दिन खेत में काम करवाना हो तो 400 रुपया मजदूर लेते हैं पूरा दिन खेत में काम करने का। अब बात करते हैं कि हमने कितना थ्रेसर चलाया है इस सीज़न का। तो किसान भाइयों, लगभग आज से 2 महीने पहले हमने थ्रेसर स्टार्ट किया था, और तब सरसों निकालना स्टार्ट किया था हमने। लगभग 1 महीना सरसों निकाली और उसके बाद 1 महीना गेहूं निकाला, और इन दोनों महीनों को मिलाकर हमने लगभग 350.5 घंटे चला लिया है थ्रेसर अपना, और आज ये लास्ट दिन है हमारे थ्रेसर का। और ट्रैक्टर की बात करें तो हमारा ट्रैक्टर लगभग 500 घंटे चल चुका है इन 2 महीनों में। ये देखिए, ये जॉन डियर कंपनी का बिल है, और जब हमने थ्रेसर की सीजन चालू होने से पहले जब सर्विस कराई थी ट्रैक्टर की, तब लगभग 11,600 घंटे चला था ट्रैक्टर हमारा, और अभी लगभग 12,095 घंटे चला है। आप देख सकते हैं हमारे ट्रैक्टर के डैशबोर्ड में, उस हिसाब से हमारा ट्रैक्टर पूरे 500 घंटे चल चुका है। और थ्रेसर की बात करें तो थ्रेसर 350 घंटे चला है, तो उस हिसाब से दोनों के बीच में जो 150 घंटे का अंतर आया है, वो एक खेत से दूसरे खेत में जाने के लिए जो समय लगता है उसको मिलाकर 150 घंटे बैठता है। तो किसान भाइयों, अगर आपके पास भी थ्रेसर है तो आपने कितने घंटे चलाया है वो हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं, और वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए, और बाजू में बने बेल आइकन को भी दबा दीजिए, ताकि हमारे आगे आने वाले वीडियोस आपको तुरंत मिल जाए। और 1-2 दिन के बाद मैं अपने दोनों ट्रैक्टर की सर्विस कराने वाला हूँ, तो उसका वीडियो हमारे चैनल पर आने वाला है, तो चैनल पर बने रहे। और वीडियो के बारे में कुछ भी सवाल हो तो नीचे कमेंट कर सकते हैं। तो फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए ख्याल रखिए अपना और अपनी फैमिली का। धन्यवाद।